हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने गांव पे आ चुका हूँ और आज यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं। और गांव में शादी विवाह में लड्डू कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और ये बनाते हैं हम लोग, जैसे ईंट वगैरह लगा के चूल्हे लगाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और लड्डू बनते कैसे हैं शादी विवाह में, किस किस क्या क्या स्टेप हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि लड्डू कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने ईंट का चूल्हा तैयार किया हुआ है और इसमें जो है कि आग लगा दी हमने, लकड़ी वगैरह लगा दी, जल रही हैं। ये देखिए आगे जलना स्टार्ट होंगे, इस पर कढ़ाई लगाएंगे। और ये देखिए जो हलवाई है वो बेसन फेंट रहे हैं अच्छे तरीके से, उसे मिक्स कर रहे हैं पानी डाल के। और ये काफ़ी ढीला बनाते हैं ताकि बूंदी आप अच्छे तरीके से छान सकें। और इसके बाद जैसे हमारा आग पूरा जलने लगता है, हम इस पर डाल देंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। हमने फॉर्चून का 5 लीटर तेल लिया हुआ, आप कोई भी सभी ब्रांड यूज कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद का जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता हो, बट हमने फॉर्चून का लिया है। और 5 लीटर ये पूरा लग जाएगा। और ये बेसन आप देख रहे हैं कितना ढीला हो चुका है पीछे, और काफ़ी अच्छा हो गया। और ये इस तरीके से छानते हैं, बूंदी की तैयारी हो रही है। इस तरह करके हम सारे बेसन का बूंदी जो है कि निकालेंगे। 4 KG बेसन है, घर पे मशीन से पिसाया गया था, ये मार्केट का खरीदा हुआ नहीं है। काफ़ी अच्छा टेस्टी बनेगा। और थोड़ा सा हम कलर वाइज निकालेंगे इसमें, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे करके हम सारे को एक साथ निकालेंगे और इसके बाद थोड़ा सा कलर वाइज निकालेंगे ताकि उसमें अच्छा लगेगा, जहाँ जहाँ कलर रहेगा काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये दोस्तों खीरे का बिया है जो कि 60 रुपये में 100 ग्राम मिला था मेरे को, काफ़ी टेस्ट अच्छा आएगा इससे भी, बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप भी ट्राई करिए। और ये किशमिश है, किशमिश को तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो ये कुछ लाल बूंदी और खीरे का बिया और किशमिश, ये सारा एक साथ हम मिक्स करेंगे और वो भी चाशनी में। और ये प्रोसेस लगभग हमारा तैयार हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया है। चाशनी बनाकर फिर उसमें हम डिप करेंगे और फिर बनाएंगे हम लड्डू। ये देखेंगे सारे हमने चाशनी के लिए ये हमने कढ़ाई में चीनी डाल दिया और हल्का सा पानी डाला है, 7 KG हमने चीनी डाला है इसमें और इसमें पानी डाल दिया। इसको हल्की आंच पे बिल्कुल हम पकाएंगे, देख रहे हैं जैसा कि आप, हमने घुमा रखा है पूरा और धीरे धीरे ये घुमाते भी रहेंगे ताकि ये जल्दी से चीनी गले और पूरा अपना चाशनी का कलर ले ले, चाशनी में एकदम बिल्कुल कन्वर्ट हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम इसे घुमाते रहते हैं और बिल्कुल आप याद रखें कि लो मीडियम पे आप पकाएं इसे, मतलब बहुत कम कर दें। और जब तेज़ी से थोड़ा पकने लगेगा तो इस तरीके से जो भी आएगा ऊपर झाग वगैरह आएगा ये निकाल देते हैं। चीनी आप जब भी आप पानी में गर्म करेंगे उसे चाशनी बनाएंगे तो इस टाइप की चीज़ें जो आती हैं आप उसको बाहर निकालें, क्योंकि ये कचड़ा होता है, आप ये देख रहे हैं। और हल्का सा पानी इसलिए मार रहे हैं ताकि बिल्कुल उबले नहीं, बहुत ही हल्का हल्का आए जिससे कि हमारी चाशनी अच्छे तरीके से पके। हल्का हल्का पानी उस पर देते रहते हैं, ये देखिए पानी करने के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जो इतना तेजी से पकने लगता है उससे होता क्या कि आपका तुरंत जो है कि पानी जल जाएगा, आपकी चाशनी अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं। और बीच बीच में आप ये, आपको जब भी लगे निकालते रहिए। और ये चाशनी में हमने थोड़ा सा कलर डाल दिया है दोस्तों, ये कलर इसलिए डाल दिए हैं ताकि ये उसके बूंदी के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो बूंदी तो थोड़ा येल्लोपन में रहेगी बट हल्का सा वो व्हाइट में आ जाती है, तो चाशनी भी अगर हम येल्लो कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा हुआ। अब हम बूंदी को जो है कि इसमें ऐड करेंगे, जो हमने पहले से छान रखी है, बुनिया भी आप बोल सकते हैं इसे, यूपी बिहार में बुनिया भी बोलते हैं, हमने चाशनी में ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल मिलाएंगे एक एक करके, अच्छे से पूरा मूव हो जाता है। इसको हम चूल्हे पर से हटा देंगे, उतार लेंगे, नहीं तो ऊपर चूल्हे पर जब तक रहेगी, अगर रहेगा चूल्हे पे तो वो हल्का हल्का जलने लगेगा।
ये देखिए थोड़ा सा कलर हमें लग रहा है कि कम पड़ रहा है, कलर हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि जो कलर हमें चाहिए थोड़ा सा अच्छा लगे वो कलर आ नहीं पा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, हल्का हल्का इस पर। और थोड़ा सा आँच पे इसे इसलिए कुछ टाइम तक पका देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से खिल जाए, और भी इसमें जब जलने न लगे पूरा अधिक न हो इसके लिए भी इसमें हम थोड़ा पानी जो है कि डालते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अच्छी तरीके से ये खिल जाता है, खिलता है बिल्कुल, बहुत बढ़िया ही इसका टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि पानी डालने के बाद बिल्कुल डल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा लड्डू का। ये देखिए हमने पूरी तरीके से इसे घुमा दिया है, और चाशनी को हम चेक करते रहते हैं कि ज़्यादा पतली तो नहीं हुई है, अच्छे तरीके से हुई कि नहीं। देखिए हल्का सा और पानी डाल देंगे ताकि बूंदी हमारी उसके साथ अच्छे तरीके से खिल जाए। बार इसे घुमाते रहना चाहिए ताकि ऊपर नीचे बूंदी होती रहती है, तो बहुत ही बढ़िया आता है। ये हमने अब नीचे जमीन पे उतार दिया। अब इसमें हम जो कलर वाला एक बूंदी छाने थे, ये देखिए हमने यहाँ से चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे में जो कि चैला वगैरह हमने लगाए थे, लकड़ी वगैरह लगा के वो था। ये दोस्तों हमने जो रेड कलर का थोड़ा सा किया था कि अलग कलर दिखेगा इसमें, जगह जगह पे थोड़े थोड़े होते हैं जो उस तरीके के, ये इसको हम लास्ट में डालते हैं। इसको उसी साथ आप डाल सकते हैं, लेकिन तो ऐसा है कि इसमें लास्ट में डालने में क्या है कि बहुत थोड़ा सा रहता है और ये उसमें मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ये देखिए हमने सारे आइटम मिला दिए, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सब इधर से उधर घुमाएंगे हम, मिक्स करेंगे इसे। ये देखिए इसमें जो है कि हमारा सब कुछ दिख रहा है, जो खीरे का बिया था और इसमें जो किशमिश हमने डाले थे, वो हल्का ठंडा होने के बाद आप इसमें एक अलग किसी पार्ट निकाल लीजिए, किसी बर्तन या परात या कुछ भी में जो भी आपको, उसमें निकाल के आप हल्का हल्का उसे बांधना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही सभी के साथ करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ही गर्म है, आप कर नहीं पाएंगे। ये देखिए सब मिक्स हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा निकालेंगे किसी और पार्ट में। ये देखिए हमने इस तस्तरे में निकाल रहे हैं, हल्का सा निकाल के इसे हम ठंडा करेंगे थोड़ा, कुछ टाइम ठंडा, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा जल जाएगा अगर आप लड्डू बनाने अभी बैठेंगे तो हाथ जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा निकाल लेंगे उसे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद जो है कि उसे हम थोड़ा सा बांध के टेस्ट लेंगे। ये देखिए मैंने खुद अब बांधना स्टार्ट किया है और बहुत ही सही लड्डू बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बन रहे हैं ये। तो दोस्तों आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, वैसे घर पे आप थोड़े से बनाइए, टेस्ट करिए, अच्छा लगेगा आपको। वैसे मैंने घर पे प्रोग्राम कुछ था इसलिए कुछ ज़्यादा ना, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा था कि कैसे बनते हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं गाँव में। अभी गर्म है, बस इतने लड्डू बांध के ये मैकेनिक का फट जाएगा, बाकी के आप जो है कि खुद से ठंडा कर लीजिए और ताकि हाथ जले ना और उसे बांधिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर।